हार्ट स्पीड 45-50 भी मिल सकता है फिनिक्स इंटरनेशनल ब्रांड से इंटरनेशनल ब्रांड में ऐसे। हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी 2024 का ये दूसरा ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। अभी मैं ऑन ड्यूटी पे हूँ दोस्तों, मैं फिनिक्स मॉल में काम करता हूँ। यहाँ पे फिनिक्स मॉल मुंबई में सबसे फेमस मॉल है और यहाँ पे बिगेस्ट मॉल है अगर माना जाता है मुंबई का। और दोस्तों मुंबई का ही नहीं, पूरे एशिया का ये दूसरे नंबर पर आता है। एक नंबर पर आता था लेकिन अभी ये दूसरे नंबर पर आने लगा। इससे पहले अब लुलू मॉल करके लखनऊ में जो है वो आ रहा है। तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ फिनिक्स मॉल के बाहर और यहाँ पे फिनिक्स मॉल की जो यहाँ पे बहुत सारे 500 कुछ स्टोर हैं उसमें बहुत सारे ब्रांड हैं, इंटरनेशनल ब्रांड, इंडियन ब्रांड, ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं और फूड्स के लिए भी हैं। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ फिनिक्स मॉल के बाहर और अभी मैं आपको फिनिक्स मॉल थोड़ा सा दिखा दूँ दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ। तो अभी देख सकते हैं आप लोग पीछे, यहाँ पर फिनिक्स मॉल मेरे पीछे दिख रहा होगा और यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ भी काम करते हैं और मेरे साथ मेरा दोस्त भी अभी है। तो मैं अभी फिनिक्स मॉल आ हूँ दोस्तों, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे दिखाने के लिए चीज़ें हैं। तो अभी मैं फिनिक्स मॉल की चीज़ें कुछ आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखा रहा हूँ, इस वीडियो अभी फिनिक्स मॉल से ही रिलेटिव है, थोड़ा सा इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए है। तो अभी मैं फिनिक्स मॉल के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, तो इसलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर। अगर थोड़ा सा आप स्टार्टिंग आएंगे तो आपको यहाँ पर 4 से 5 गेट मिलते हैं। तो आपको फर्स्ट गेट जो मैन एंट्री होता है और सेकंड गेट जो होता है वहाँ पे वीआईपी कस्टमर जो होते हैं, जो वीआईपी पर्सन होते हैं वहाँ से उनकी एंट्री होती है और 3 नंबर से हमारे स्टाफ एंट्री होती है। मैं भी पेंटालूंस का ही स्टाफ हूँ जो फिनिक्स मॉल के अंदर ही है स्टोर। तो अभी देख सकते हैं ये फिनिक्स मॉल। ओके दोस्तों, चलिए थोड़ा से यहाँ के स्टाफ लोगों से थोड़ा बात करते हैं, यहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, क्या सैलरी उनके पैकेज है। तो अभी मैं बाहर से ही शूट कर रहा हूँ, अंदर अभी नहीं जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए आपको लोगों से मिलाता हूँ दोस्तों। तो अभी हम लोग यहाँ पे बाहर ही शूट कर रहे थे वीडियो, तो यहाँ पे मुझे एक स्टाफ मिले हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे यहाँ के कैसा इन्वायरमेंट है, क्या उनका सैलरी पैकेज है और यहाँ पे उनको काम करना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या कैसा लगा उनको। तो चलिए दोस्तों उनसे बात करते हैं। हाय दोस्त, कैसे हो दोस्तों? यहाँ आप कब से काम कर रहे हैं? 2 साल हो। आप थोड़ा खड़े होकर बात कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे, आपको मॉल का सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, स्टाफ अच्छे हैं और कन्वीनियंस लोकेशन भी है यहाँ पे, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब लिटरली बेस्ट। आप, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं स्टोर में हूँ, लार्ज स्टोर है, इंटरनेशनल ब्रांड है। इंटरनेशनल, तो सैलरी पैकेज वगैरह आपका क्या रहता है? सैलरी पैकेज है 20,000। 20,000 और यहाँ पे अगर तुमको जैसे कि मतलब पैकेज अच्छा चाहिए, तुमको अच्छा पैकेज चाहिए तो तुम्हारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे अच्छी मिलती है। 45-50 भी मिल सकता है फिनिक्स मॉल। हाँ, इंटरनेशनल ब्रांड से, इंटरनेशनल ब्रांड में एज ए स्टोर मैनेजर अगर तुम वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे तुमको 50,000 तक भी मिल सकता है, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन, कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, वो हिसाब से आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे काम करना बहुत इजी है। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मॉल इन इंडिया, इन आवर इंडिया, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू वर्क हियर। आपसे बात करके बहुत मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो स्टाफ है, कलर्स करके एक इंटरनेशनल ब्रांड है वहाँ पे ये काम करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सैलरी पैकेज जो है वो 25 से 30 के एवरेज में है, अप टू इतना है। अगर आप एक्सपीरियंस वाले बंदे होंगे तो आपको अच्छी पैकेज सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड हैं, इंटरनेशनल ब्रांड भी है, जो इंडियन ब्रांड भी है। तो दोस्तों आपने अभी देखा ही, तो चलते थोड़ा सा मॉल का बाहर से व्यूज दिखाता हूँ आपको, अंदर नेक्स्ट ब्लॉग में लेके चलूँगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो इन्वायरमेंट है वो दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए। दोस्तों देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ के स्टाफ से भी बात किया, उसने बताया बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फिनिक्स मॉल जो है बहुत ही बड़ा ऐसा मॉल है, तो यहाँ पे मैं एक ही वीडियो में आपको पूरे नॉलेज नहीं दे पाऊँगा, तो इसके लिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग की आप लोग वेट करिए, वो ब्लॉग में आपको पूरे अच्छे से मैं मॉल के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर ये ब्लॉग समाप्त होता है, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।